हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल सकिल ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद होगी सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आया हुआ हूँ अपने घर राजस्थान। तो हम आज जा रहे हैं अपने चाचा के साथ बाहर घूमने और थोड़ा सामान लेने दुकान के लिए। तो गाइस, चाचा तो आए नहीं अभी, हम बैठे हैं उनके इंतज़ार में कब आएंगे चाचा और हम चलेंगे। तो चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, चाचा को आने दो। तो चलते हैं आगे, ठीक है गाइस। और आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अपना गांव राजस्थान कैसा है। राजस्थान आप लोगों को पता ही होगा, राजस्थान एक बहुत अच्छा शहर है, गांव है और बहुत अच्छी जगह है नेचर के लिए। तो आज हम निकल चुके हैं घूमने के लिए बाहर, राजस्थान चाचा आ चुके हैं, चलते हैं आगे। तो देख सकते हो चारों तरफ सरसों ही सरसों है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर दुकान पर। ये यहाँ की होलसेल मार्केट है जहाँ पर हमें मिलता है सामान, देख सकते हो यहाँ पर सारा सामान उतरता है। यहाँ पर सारा सामान होलसेल पर मिलता है और यहीं से हम लोग सामान लेके जाते हैं अपनी दुकान के लिए। तो दिखाते हैं आज हम क्या क्या ले रहे हैं। तो देख सकते हो आप लोग, ये सारा सामान जो रखा है और ये दुकान है, यहाँ पर जो भी सामान है सब सामान होलसेल रेट पर मिलता है। ये जो भी सब सामान रखा है ये और ये सारा सामान गाय भैंसों के दलियों के लिए काम आता है, उनके लिए खाने के लिए काम आता है ये सब जो भी यहाँ पर है। तो ये सब हमारी दुकान का सामान है जो आज हम लेकर जा रहे हैं अपनी दुकान पर। देख सकते हो आप क्या क्या है। इनमें से कई चीज़ों का नाम तो मुझे पता भी नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं ये जो हमारे पैकेट में रखी हुई है। चाय पत्ती है, लक्स साबुन रखा है और गुड़ लिया है और चावल भी लिए थे हमने, तो चाचा ने रख दिया कट्टे में पहले ही दूसरे वाले में। और सबसे स्पेशलिटी हुई है दुकान की सिगरेट, बीड़ी, माचिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें दुकान के अंदर जो चाचा ने ले लिया, ये रखी है साइड में, दिख रही होगी आपको। तो आज हमने ले लिया है अपनी दुकान के लिए सारा सामान, दिखाता हूँ आपको। ये सारा सामान है, पता नहीं क्या क्या रखवाया है चाचा ने। ये चीनी का कट्टा है पूरा एक, इसमें सामान है छोटा मोटा, चाय पत्ती वगैरह, गुड़, सिगरेट, बीड़ी का बंडल, ये सब सामान है यार इसमें दुकान का, जो भी परचून का होता है सारा सामान रख दिया है। अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो गाइस हम लोग आगे आ चुके हैं और हमने ले लिया है जोधपुर के फेमस रसगुल्ले। तो अभी गाड़ी में चेक करके बताते हैं इनका स्वाद कैसा है। तो हम पहले खाएंगे गोलगप्पे, फिर उसके बाद देखते हैं रसगुल्ले खाने के। हम पहुँच चुके हैं गोलगप्पे वाले के पास और ये मेरे चाचा है आ रहे आराम से, और खा के देखते हैं कैसा है इनका गोलगप्पा। अब गोलगप्पे तो हो चुके हैं हमारे, चलते हैं आगे। चलते हैं आगे यहाँ से घर की तरफ। तो हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर, डीजल करवाते हैं अपनी गाड़ी में, देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे हम और गाड़ी मरा रहे डीजल और चलते हैं यहाँ से आगे। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही था हमारा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपका एक लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करेगा और आगे और ब्लॉग बनाने की हिम्मत देगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।